आपके सामने जीनतुल कुर्रा उस्तादुल उफास आशिक शेख हजरत अल्लामा अलहाज कारी अब्दुल कय्यूम उल फतह नुशाई साहब, जो कि स्पेशली इंग्लैंड से इस उसरे मुबारक की तकरीब सईद में हाजिर हुए हैं। वो बारगाह सैयद आलम में और बारगाह गौसियत माब में हदिया नात पेश करते हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनिया सारे जहान उते, मनिया सारे जहान उते मेरे जिया आसी इंसान कोई नहीं। तो जो फरमाइए, मनिया सारे जहान उते मेरे जिया आसी इंसान कोई नहीं। जामन मैं मस्कीन दा कौन होवे, जामन मैं मस्कीन दा कौन होवे, मेरी किसे संग जान पहचान कोई नहीं। ते नामा अमल दा कीता से आपो, नामा अमल दा कीता से आपो, पहले सोचिया नफा नुकसान कोई नहीं। बरक पिछे जा जाए फरियाद आजिज, तैं बिन मालिका हो रहमान कोई नहीं। तो हुजूर किबला पीर साहब का लिखा हुआ शेर सुनिए। तेरे पाक दयार वल, तेरे पाक दयार वल मुंह करके मैं ते गो पुकार नहा, दिन रैन हरियान प्यार दर, तेरे नाम दे बिरद जता तूफान बेड़ा नाल खलूस दे तार ते लोड़ के पकड़िए, लोड़ के पकड़िए पीर कामल, फंदे डाकुआं दे विच फसिए ना, सदा अदब थी विच हुजूर रहिए, ते आकर शान गुमान कुछ दसिए, पाप दे हाथ विच हाथ देखे, जाए जान पावे पिशा नसिए ना, कुदसी कदे ना नफा वसूल हो, जहां तक मन महबूब दे बसिए ना।
हजरत ग्रामिया पे सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए हमारे लाहौर से आए हुए मुअज्जज अजीज मेहमान जियो टेलीविजन की तरफ से साहबजादा मोहम्मद ताहिर नक्शीबंदी साहब वक्त की नजाकत रखते हुए आप मुख्तसर वक्त में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। तमामी हजरात मिलके बावाज़े बुलंद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक नज़ाना इस यकीन और इस मोहब्बत से पेश करना है कि हम यहाँ दरूद पढ़ रहे हैं और मदीने वाले समाअत फरमा रहे हैं। किस किस का यह अकीदा है? अल्हम्दुलिल्लाह सभी का यह अकीदा है ना, तो मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله। सबसे पहले एक रुबाई पीर साहब की नजर कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए। के मौला अली दी होर की शान दसां, मौला अली दी होर की शान दसां, नजर करे ते कंडे नो कल करदा, और मौला अली दा लगदा है कुछ भी नहीं, जेड़ा वैर के जाके तले करदा, और मौला अली चावे जिसे दा भला ना से अल्लाह पाक भी ओदी भली करदा, कर सड़दा अली दा ना सुन के सुने हर वेले अले अले करदा, सुने हर वेले अले अले करदा। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैक या। मौके की बनिस्बत से एक लाम सरकार गौसे आजम उनकी शान में समाप्त कीजिए। सुभान अल्लाह। एक शेर पीसा में फरमाइश की है सिद्दीक अकबर के हवाले से, समाप्त कीजिए। सिद्दीक साडे जाने, सिद्दीक साडे शाने, जरा जरा ईमान मिलके बढ़ो। सिद्दीक साडे जाने, सिद्दीक साडे शाने, सिद्दीक साडे जाने, सिद्दीक साडे शाने, सिद्दीक साडा माने, सिद्दीक साडे आने, सिद्दीक साडे शाने, सिद्दीक साडे जाने, हिजरत च नाले मजार बिच नाले, हिजरत च नाले घर बिच भी नाले, हिजरत च नाले घर बिच भी नाले, मजार बिच भी नाले, ते महशर च नाले, सिद्दीक साडे जाने, सिद्दीक साडे शाने, सिद्दीक साडे जाने, सिद्दीक साडे शाने। कदो सुभान अल्लाह। आइए आखिर में हजरत इमाम गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में पढ़ के इजाजत। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से, डालो नजर कर सरकार अपने मंगतों पर एक बार, हमने आस है ला
गाए बड़ी देर से है तुम जो बना बात बनेगी बनेंगे दोनों जहां में लाज रहेंगे लाज रहेंगे लज पाल कर अब कर दो मंगतों के झोले भर दो कासा मेरा पंजे तने फैर से मेरे मेरा मन झोली है फैलाए बड़ी देर से और मुश्किल जब भी सर पर आए मुश्किल जब भी सर पर आए तेरी रहमत आड़े आए जब मैंने तुम्हें पुकारा जब मैंने तुम्हें पुकारा काम आया तेरा सहारा चलता आसी का गुजारा तेरे खैर से मेरे मेरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से